Swayam Prabha, Digital India, Educated India. दिस इज डॉक्टर अजय कुमार सिंह एंड आई एम गोइंग टू प्रजेंट माई लेक्चर उसे दिस इज माई फोर्थ लेक्चर एंड द टॉपिक ऑफ टूडेज डिस्कशन इज लोक नियोजन में अवसर की समानता आज का विषय जो मेरा संवैधानिक विधि के अंतर्गत फोर्थ चैप्टर है लेक्चर नंबर सॉरी लेक्चर नंबर फोर है उस लेक्चर नंबर फोर के अंतर्गत लोक नियोजन में अवसर की समानता इस पर बात करेंगे कि भारतीय संविधान लोक नियोजन में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भारतीय नागरिकों को विशेष प्रावधान कर सकता है जिनका राज्य की राय में लोक नियोजन में सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने उन वर्गों के लिए जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उन्हें सरकारी सेवाओं में विशेष प्रावधान कर आरक्षण करके उन्हें भी उनका भी आर्थिक उन्नयन करने के लिए उनको भी आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए यह प्रावधान किए हैं तो पहले मैं ये बता दूं कि जो ये व्याख्यान है इस व्याख्यान के माध्यम से मैं संवैधानिक विधि के अंतर्गत जो आर्टिकल सिक्सटीन है जो कंपनसेटरी बेनिफिट की बात करती है आर्टिकल सिक्सटीन फोर के, के अंतर्गत जितने भी प्रावधान संविधान के अंतर्गत किए गए हैं समाज के उन वर्गों के लिए जिनकी जिनका सरकारी सेवाओं में लोक नियोजन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है उन्हें विशेष आरक्षण प्रदान करने के लिए क्या क्या संवैधानिक प्रावधान हैं और उस पर उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय क्या हैं इसको पूरी इन्फॉर्मेशन जो आर्टिकल सिक्सटीन से संबंधित है मैं देने का प्रयास करूंगा ताकि जो हिंदी माध्यम हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनके मन में जो आत्मविश्वास की कमी होती है भाषा को लेकर कि हिंदी माध्यम हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए लॉ में विशेष सामग्री नहीं है और प्रतियोगी विशेषकर जो प्रतियोगिता के लिए इच्छुक हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं पी सी जे की हो जुडिशरी का एग्जाम हो या पी सी का एग्जाम हो तो वे उनके मन मस्तिष्क में ये बात रहती है जो मेरा सैक्षणिक अनुभव है मैं क्लास में जब भी प्राय देखता हूँ छात्र पूछते हैं भाषा को लेकर कि कहीं भाषा तो बैरियर तो मैं ये बताना उनको चाहता हूँ क्लास में बताता हूँ इस लेक्चर के माध्यम से बताता हूँ सफलता के लिए भाषा कोई माध्यम भाषा कोई बैरियर नहीं है बाधक नहीं हो सकती है हिंदी भाषा के आप चयन के माध्यम से सोचते हैं कि आत्मविश्वास कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा तो यह बिल्कुल गलतफहमी है इसको हिंदी भाषी छात्रों के लिए मैं बता दूं कि इस भाषा के माध्यम से भी आप न्यायिक सेवाओं में चयनित हो सकते हैं पीसीएस में चयनित हो सकते हैं और आई में चयनित हो सकते हैं बस कंटेंट आपके पास होना चाहिए जो विषय से संबंधित सामग्री है वह होनी चाहिए जानकारी कितना लिखना है क्या लिखना है ये भी होना चाहिए तो इसको देखें मैंने बताने का प्रयास किया कि अटकृष्ट इसको स्लाइड के माध्यम से देखें लोक नियोजन में अवसर की समानता आर्टिकल सिक्सटीन मैंने आगे लिखा हुआ है आप सभी अब इस आर्टिकल सिक्सटीन में जो चार खंड जोड़े गए हैं और भारत में संविधान संशोधन के माध्यम से पहला है आर्टिकल सिक्सटीन फोर जिसमें सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी तो आप सभी को ये जानना है कि आर्टिकल सिक्सटीन नागरिकों को ही केवल लोक नियोजन में समानता की बात करता है आर्टिकल सिक्सटीन दो है राज्य के द्वारा धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर लोक नियोजन में विभेद नहीं किया जाएगा डोमिसाइल के आधार पर स्टेट विरोध नहीं करेगी तीसरा है आर्टिकल सोलह तीन के अंतर्गत राज्य अधीन लोक सेवाओं में राज्य जन्मस्थान के आधार पर विभेद कर सकती है पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए अब आर्टिकल सिक्सटीन क्लास फोर देखें आर्टिकल सोलह चार के अंतर्गत राज्य लोक नियोजन में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है सरकारी सेवाओं में उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकती है और आर्टिकल सोलह चार क जो जोड़ा गया राज्य के द्वारा कि ये जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं नागरिकों को प्रोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जा सकता है जिससे कि तो सभी पर मैं इसको एक एक करके चर्चा करूंगा जिससे कि आप इससे संबंधित पूरी कान। संबंधित कानून को जानें थोड़ी सी मैं स्लाइड में एक संशोधन कर दूं कि इस आर्टिकल सोलह के विषय में जब संविधान सभा में बात हो रही थी तो संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा ये कहा गया कि यह जो आर्टिकल 16 है उसको उन्होंने कहा कि ये कंपनसेटरी बेनिफिट है कम्पनसेटरी बेनिफिट ये मैं अभी समझाने का प्रयास करूंगा कि यह कंपनसेटरी बेनिफिट क्या है और इसमें नागरिकों को जो दिया गया है ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं और स्टेट को हाईलाइट कर रहा हूँ जिससे कि आप ये समझ पाएं कि ये राइट क्या है तो पहले तो लेते हैं कि जब संविधान सभा में इसकी व्याख्या की जा रही थी आर्टिकल 16 पे चर्चा की जा रही थी तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान सभा में ही कहा गया कि लोक नियोजन में जो अवसर की समानता है यह समाज के पिछड़े वर्गों के लिए इसको हम कंपनसेटरी बेनिफिट कर रहे हैं उनको इस उनको कम्पनसेट कर रहे हैं उनको सरकारी सेवाओं में लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान कर हम उनके आ, उनको कम्पन्सेटरी बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसलिए एक कभी कभी प्राय पूछा जाता है कि आर्टिकल सोलह जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता जो बात करती है वह कम्पन्टरी बेनिफिट के विषय में बात करती है किसके द्वारा कहा गया तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में आर्टिकल सोलह की उपयोगिता को लेकर के उसके एप्लीकेशन को लेकर के विचार विमर्श के दौरान ये बातें कही थी कि उन समाज के उन वर्गों के लिए जो वर्षों तक उपेक्षित रहे हैं और सरकारी सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है और आने वाले समय में संविधान लागू होने के पश्चात भी उनका प्रतिनिधित्व तो राज्य की सेवाओं में भी उनकी भागीदारी हो सके यह सुनिश्चित करने के लिए आर्टिकल 16 के अंतर्गत सोलह चार के अंतर्गत एक प्रावधान किया जाए कि उनके लिए सरकारी सेवाओं में विशेष आरक्षण का प्रावधान किया जाए जिसके तहत आर्टिकल सोलह चार क को, को संविधान में जोड़ा गया और हम उस रूप में लोक नियोजन में अवसर की समानता को समानता के रूप में देखते हैं अब दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि आर्टिकल सिक्सटीन क्लॉज वन से ही शुरू है कि स्टेट वर्ड शब्दावली जो वर्ड यूज किए गए है राज्य के द्वारा लोक नियोजन में अवसर की समानता सुनिश्चित की जाएगी इसका इसका केवल और केवल यही अर्थ है कि जो स्टेट यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है इस स्टेट का वही अर्थ है जो आर्टिकल ट्वेल्व के अंतर्गत स्टेट को डिफाइन किया गया है मैंने इसके प्रारंभिक लेक्चर में आपको बताया था जब मैं आर्टिकल फोर्टीन की चर्चा कर रहा था कि आर्टिकल फोर्टीन में है राज्य के द्वारा व्यक्तियों को विधि के समय समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा तो वहाँ भी मैंने स्टेट को जो स्टेट शब्दावली यूज की गई आर्टिकल फोर्टीन में आर्टिकल 15 में वह आर्टिकल 15 में जो स्टेट है वह उसका वही अर्थ है जो आर्टिकल 12 में अर्थात भारतीय संसद के द्वारा राज्य विधानमंडल राज्य कार्यपालिका के द्वारा स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा या अन्य प्राधिकारी के द्वारा कोई भी ऐसा नियम का नहीं बनाया जाएगा कानून नहीं बनाया जाएगा जो नागरिकों के समानता के अधिकार को वंचित करेगा तो स्टेट का अर्थ यहाँ पर वही है जो आर्टिकल ट्वेल्व तो बात समझनी है कि स्टेट आर्टिकल 12 के अंतर्गत अब ये एक और जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें शब्दावली वर्ड यूज किया गया हुआ है नागरिकों के लिए आर्टिकल 14 क्या है आर्टिकल 14 व्यक्तियों यूज किया गया है उसमें आर्टिकल 14 जो है वह इक्वलिटी व्यक्ति के अंतर्गत उसमें आ, नागरिक और नागरिक दोनों हैं जबकि आर्टिकल 15 और 16 में केवल इंडियन सिटीजन की बात की गई भारतीय नागरिकों को सरकारी सेवाओं में लोक नियोजन में अवसर की समानता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है तो दो बातें याद रखनी है कि ये स्टेट के अगेंस्ट है और स्टेट ये कार्य करेगा राज्य करेगा और स्टेट का मतलब वही होगा जो आर्टिकल ट्वेल्व के अंतर्गत है और दूसरी बात जो याद करनी रखनी है इसमें ध्यान रखना है वह कि आर्टिकल सोलह का लाभ केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है और स्वाभाविक भी है कोई भी राष्ट्र होगा अपने ही नागरिकों को सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता के लिए विशेष प्रावधान करेगा तो यह नागरिक शब्दावली को भी ध्यान में रखेंगे अब देखते हैं कि आर्टिकल सोलह सिक्सटीन क्लास वन में एक बेसिक रूल दिया गया कि देयर शैल बी इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी यह कौन सुनिश्चित करेगा यह राज्य स्टेट सुनिश्चित करेगा तो इसको आर्टिकल सोलह एक में कह दिया गया अब स्टेट सेक्स डिस्क्रिमिनेशन न करे लिंग के आधार पर कोई विभेद न करे जाति धार्मिक आधार पर कोई विभेद न करे इसलिए स्टेट को भी संविधान में डायरेक्शन संविधान के द्वारा डायरेक्शन दिया गया कि आर्टिकल सोलह दो के अंतर्गत कि राज्य द्वारा धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर लोक नियोजन में विभेद नहीं किया जाएगा तो एक दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट अच्छा मैंने ये बताया कि आर्टिकल सोलह सिक्सटीन के अंतर्गत क्या क्या बात यह ध्यान रखनी है पहला तो स्टेट राज्य के द्वारा अर्थात स्टेट मतलब आर्टिकल ट्वेल्व बारह के अंतर्गत जो राज्य स्टेट को डिफाइन किया गया है वह उसके बाद नागरिकों के लिए ये अधिकार प्राप्त है आर्टिकल पंद्रह और सोलह केवल और केवल भारतीय नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है तीसरी बात है कि लोक नियोजन पब्लिक इम्प्लॉयमेंट में ही यह समानता की बात होगी प्राइवेट नियोजन में जो प्राइवेट इम्प्लॉयमेंट हैं उसमें जो प्राइवेट इम्प्लायर है उद्योगपति हैं जो प्राइवेट संस्थाएं हैं प्राइवेट संस्थाओं में जो बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं कारखाने हैं उसमें यह अवसर की समानता की गारंटी जो है संविधान के द्वारा नहीं दी गई है अर्थात यह केवल और केवल राज्य संचालित जो सरकारी संस्था सरकारी सेवाएं हैं पब्लिक इम्प्लॉयमेंट है इम्प्लॉयमेंट ऐसा है जो उसके आगे पब्लिक वर्ड यूज किया गया है तो सामान्यतः हम उसको सरकारी सेवाओं की बात करते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज़ की बात करते हैं प्राइवेट सर्विस की बात इसमें नहीं करते हैं तो ये सभी बातें सूक्ष्मता सुछ, से उसको ध्यान में रखना है कि किन किन बातों को इसमें स्थान दिया गया है फिर आर्टिकल सोलह तीन में एक है कि आर्टिकल सिक्सटीन क्लास थ्री में स्टेट को ये लिबर्टी दे दी गई कि वह राज्याधीन लोक सेवाओं में जो स्टेट की गौर सर्विसेज है राज्य में जो राज्य की जो सेवाएं हैं उस राज्य सेवाओं में निवास स्थान को डोमिसाइल को सरकारी सेवाओं में लोक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में के आधार पर विभेद किया जा सकता है और केवल किसके लिए केवल और केवल समाज के उन पिछड़े वर्गों के लिए जिनका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है उनके लिए डोमिसाइल एक क्राइटेरिया हो सकती है प्राय आप देखते होंगे बिहार मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य में कि डोमिसाइल के आधार पर पिछड़े हुए वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया था कि वहाँ के उस स्टेट के जो पिछड़े हुए वर्ग हैं जो बैकवर्ड क्लास हैं उनके लिए सरकार जो राज्य सरकार के अधीन जो सरकारी सेवाएं हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हैं वे सीटें केवल और केवल उनके द्वारा ही भरी जाएंगी परंतु ये कभी नहीं हो सकता कि स्टेट ऐसा कोई कानून बना ले कि उसमें केवल डोमिसाइल कर दे कि उत्तर प्रदेश में काम उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवाओं में केवल और केवल उत्तर प्रदेश के नागरिक ही आएंगे अन्य राज्यों के नागरिक नहीं तो यह स्टेट डोमिसाइल के आधार पर अपनी सरकारी सेवाओं के पूरे पूरी सरकारी सेवाओं में डोमिसाइल अपरिहार्य रूप से लागू नहीं कर सकता केवल उन्हीं वर्गों के लिए डोमिसाइल बनाएगा जिनका राज्य की सरकार राज्य के कंट्रोल में राज्य के अधीन जो सरकारी सेवाएं हैं उनमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है तो ये बात ध्यान में रखनी है आर्टिकल सिक्सटीन क्लॉज थ्री के अंतर्गत अब आते हैं जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है आर्टिकल सोलह चार सिक्सटीन क्लॉज फोर तो संविधान के आर्टिकल सिक्सटीन क्लॉज फोर ये प्रावधान करती है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल सेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग इन स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हु हैज़ नॉट बीन रिप्रजेंटेटेड इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रॉपरली जिनका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनित्व तो नहीं है उनके लिए राज्य उन पिछड़े वर्गों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकती है तो ये आर्टिकल सिक्सटीन क्लास फोर अब यहाँ पर एक पॉइंट जो विच आई वुड लाइक टू मैंसन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आर्टिकल 15 क्लास 4 है और 16 क्लास 4 क्या दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिक डिफरेंस क्या है तो आप ये देखें कि आर्टिकल पंद्रह चार जो है वह शैक्षणिक और बात करता है कि शैक्षणिक और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकार राज्य विशेष प्रावधान कर सकती है जबकि आर्टिकल सोलह चार के अंतर्गत उन पिछड़े वर्गों के लिए जिनका जिनका राज्य की सरकारी सेवाओं में लोक नियोजन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है उनके लिए विशेष प्रावधान राज्य के द्वारा किया जा सकता है तो ये दो पॉइंट ध्यान में रखना है कि पंद्रह चार और सोलह चार में क्या डिफरेंस है और उसको इतना ध्यान रख लें कि जो आर्टिकल फिफ्टीन क्लॉज फोर है पंद्रह चार के अंतर्गत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग वर्गों के कैंडिडेट वे शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के लिए बात कर सकते हैं और सोलह चार स्पेसिफिकली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है लोक नियोजन में अवसर की समानता तो लोक नियोजन में अवसर की समानता के लिए उन वर्गों का जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है राज्य कानून बना करके उनके पक्ष में एक कम उनके पक्ष में विशेष प्रावधान कर सकती है जिससे कि उनका भी उनका इकोनॉमिकली अपलेटमेंट किया जा सके उनको भी आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से विकसित किया जा सके अब यहाँ पर एक बात आपको स्पष्ट रूप से मैं बता दूँ छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी बात यह है कि हम जब आर्टिकल सिक्सटीन क्लास फोर की बात कर रहे हैं तो आप प्रस्तावना को देखें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है कि भारतीय हम भारत के लोग भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेंगे तो यहाँ पर जो आर्थिक न्याय सुनिश्चित करेंगे वह आर्थिक न्याय इस रूप में ही है कि हम यदि पिछड़े वर्गों को उनके लिए विशेष प्रावधान कर उनके आर्थिक विकास के लिए सरकारी सेवाओं में यदि हम उन्हें लाभान्वित करते हैं तो इसका केवल और केवल मतलब यही है कि संविधान निर्माताओं के द्वारा उद्देशिका में प्रस्तावना में परिकल्पित प्रावधानित आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के ये प्रावधान हैं कभी कभी पूछा जाता है कि आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए संविधान के आ, किस किस प्रावधान अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात कही गई है तो आर्टिकल 16 क्लास 4 को जरूर आप देखें कि आर्टिकल 16 क्लास 4 के माध्यम से समाज के पिछड़े हुए वर्गों के लिए आर्थिक न्याय प्रदान करने की बात की गई है और राजनैतिक न्याय कैसे होगी ये मैंने बताया था अभी इसके ठीक पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जो प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय शब्दावली का यूज किया गया है पॉलिटिकल जस्टिस वह पॉलिटिकल जस्टिस कैसे सुनिश्चित किया जाएगा भारतीय नागरिकों को उसका सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वह है आर्टिकल तीन सौ छब्बीस थ्री ट्वेंटी सिक्स जिस जो भारत के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को जो अट्ठारह वर्ष से अधिक आयु का है वयस्क व्यक्ति को मतदान के अधिकार की बात करती है राइट टू वोट की बात करती है उन्हें मतदान का अधिकार होगा राइट टू वोट होगा ये उनके पॉलिटिकल जस्टिस की बात आर्टिकल 326 के अंतर्गत तो यहाँ प्रस्तावना में जो आर्थिक न्याय है उसे हम संविधान के आर्टिकल सोलह चार से जोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे अब देखें एक आर्टिकल सोलह चार क जोड़ी गई है जो राज्य के नागरिकों को प्रोन्नति में प्रमोशन में विशेषकर एस और एस नागरिकों को प्रोन्नति में प्रमोशन में आरक्षण किया जा सकता स्टेट कर सकती है और यह किसी भी प्रकार से आर्टिकल 16 को प्रभावित नहीं करता है तो ये हो गया अब आते हैं कि लोक नियोजन में राज्य द्वारा सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का जो आर्टिकल सोलह चार का उद्देश्य है ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा वर्ग विशेष जो है वह पिछड़ा है तो ये इसमें देखें स्लाइड के माध्यम से मैंने लिखा है कि आर्टिकल तीन सौ चालीस थ्री फोर्टी के अंतर्गत राष्ट्रपति को पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना का केवल और केवल उद्देश्य यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल थ्री थ्री फोर्टी के अंतर्गत तीन सौ चालीस के अंतर्गत यह शक्ति प्रदान है कि वह पिछड़े वर्गों के अन्वेषण के लिए कि समाज का कौन सा वर्ग व्यक्ति कौन सा वर्ग कौन सा क्लास अभी भी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा है इसका अन्वेषण करने के लिए पता लगाने के लिए एक आयोग की स्थापना कर सकते हैं यह आर्टिकल 340 के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना का पावर राष्ट्रपति को दिया गया है आप जैसा सभी आर्टिकल 340 को ध्यान रखेंगे तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रमुख कार्य यही है कि यह पता लगाना कि देश में जो राज्य हैं उन राज्यों में कौन से वर्ग जो है अभी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं और उन पिछड़े वर्गों का और यह डेटा कलेक्ट करना आंकड़े इकट्ठे कर संग्रहित करना जिसके आधार पर यह सरकार को बताया जा सके कि अभी इतने जो नागरिक हैं समाज में इतने इस वर्ग के जो नागरिक हैं इनका सरकारी सेवाओं में लोक नियोजन में पर्याप्त तो नहीं है अतः इनको विशेष आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए इस प्रकार की सिफारिश राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से सूचनाएं संग्रहित कर स्टेट लेवल पर राज्य लेवल पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से वे सारी सूचनाएं केंद्र सरकार तक और राज्य सरकारों तक पहुंचती हैं अब एक केस देखें इसमें बालाजी वर्सेज मैसूर मैंने स्लाइड पर लिखा है बालाजी वर्सेज मैसूर राज्य की केस है ए आई आर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली फर्स्ट टाइम 1963 में कहा कि पिछड़ेपन का आधार केवल जाति ही नहीं हो सकती है आर्थिक आधार गरीबी भी जो है पिछड़ेपन का आधार माना जाना चाहिए गरीबी का जो क्राइटेरिया है कि कौन से व्यक्ति गरीब हैं तो वे सामाजिक रूप से ही पिछड़े न हों बल्कि आर्थिक रूप से गरीब व्यक्तियों को आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को उनको भी विशेष प्रावधान किया जाए तो सोशली बैकवर्ड एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड बालाजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम ये कहा कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाए उससे हम क्या कर पाएंगे कि समाज के बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो यद्यप की जातिगत आधार पर पिछड़े नहीं हैं परंतु वे आर्थिक रूप से इतने निर्धन हैं गरीब हैं कि अपने परिवार का वह जीवन यापन नहीं कर पाते तो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनको भी कुछ निश्चित समा उनके भी आर्थिक उन्नयन के लिए आर्थिक विकास के लिए विशेष प्रावधान करने के विषय में सोचा जाना चाहिए ये बालाजी वर्सेज मैसूर स्टेट की केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये ऑब्जर्वेशन दिया कि ऐसा होना चाहिए अब इसको एक मैं स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि देखिए मंडल आयोग आप सभी परिचित होंगे मंडल आयोग के रिकमेंडेशन के पश्चात ही सिफारिश के आधार पर ही संविधान के द्वारा समाज और समाज में शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27 सेवन परसेंट सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण की बात की गई तो मैं इसको ब्रीफ में बताने का प्रयास करूं कि मंडल आयोग मंडल कमीशन क्या है आप स्लाइड पर स्लाइड के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन 1975 में जनता पार्टी गवर्नमेंट सत्ता में आती है मुरारजी देसाई पीएम के रूप में पदस्थापित होते हैं उन्होंने बिहार के बीपी मंडल बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की जो संसद सदस्य थे उनकी अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की जिसे हम मंडल आयोग की संज्ञा देते हैं मंडल आयोग 1979 गठित की मंडल आयोग के द्वारा मंडल आयोग को ये दायित्व दिया गया कि ये पता लगाए कि समाज में कौन से व्यक्ति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कितने लोग पिछड़े हैं उस उनका परसेंटेज क्या है समाज में और उस आधार पर उनके आर्थिक विकास के लिए उनके सामाजिक विकास के लिए विशेष प्रावधान किया जाए चूँकि और रिपोर्ट 1980 में क्योंकि केंद्रीय स्तर पर मोरारजी सरकार जो सरकार थी वह अपने राजनीतिक अंतर विरोधों के कारण मतभेदों के कारण गिर जाती है और उन्नीस में पुनः चुनाव होता है आप देखें 1977 में पहली बार केंद्रीय स्तर पर गैर कांग्रेस गैर कांग्रेसी सरकार बनती है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में परंतु तीन वर्ष पश्चात ही उन्नीस में पुनः चुनाव निर्वाचन करना पड़ता चुनाव करना पड़ता है और उन्नीस वर्ष उन्नीस में इस बार श्रीमती इंदिरा गांधी भारी बहुमत से दो तिहाई से अधिक बहुमत से पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाती है तो ये बीपी मंडल अपनी सिफारिश को उन्नीस में गवर्नमेंट को दे देते हैं अर्थात जो मंडल आयोग बना था मंडल आयोग ने अपनी सिफारिश को 1980 में गवर्नमेंट को दे दिया अब वर्ष 1980 से लेकर 1990 तक 10 वर्षों तक इस, उस सिफारिश पर कोई काम नहीं किया गया जब 1919 उन्नीस सौ नवासी नब्बे में जब बी सिंह सरकार केंद्र में बनती है तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के द्वारा एक कैबिनेट ने डिसीजन लिया मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि बीपी मंडल मंडल कमीशन के द्वारा की गई सिफारिश कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिक हैं उन नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए उनके लिए विशेष प्रावधान आरक्षण करने के लिए जिनका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है और जो शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं उनके शैक्षणिक उत्थान के लिए उनके आर्थिक उत्थान के लिए कुल सीटों का 27 प्रतिशत ट्वेंटी सेवन प्रतिशत आरक्षित किया जाए अब अधिसूचना कैबिनेट के द्वारा सूचना जारी की गई कि ओ को सरकारी सेवाओं में सत्तर ट्वेंटी सेवन परसेंट आरक्षण दिया जाएगा ये उसमें ये सिफारिश की गई इस मंडल कमीशन मंडल आयोग के द्वारा अब आप इसको देखें कि जब ये मंडल कमीशन को मंडल कमीशन ने सिफारिश कर दी ट्वेंटी सेवन परसेंट गवर्नमेंट ने इसको अधिसूचना के माध्यम से कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया नोटिफाई कर दिया अधिसूचना जारी हो गई अब इस मामले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे दी गई न्याय नौ न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के समक्ष ये मामला आता है अब इसको मैं स्लाइड के माध्यम से इसमें देखिए हाईलाइट करने का प्रयास किया है केस का नाम है इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इसको हम ए आई आर सुप्रीम कोर्ट इसे मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है मंडल कमीशन केस हमने देखिए ब्रैकेट में लिखा है मंडल कमीशन केस के नाम से भी जानते हैं अब इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने देने का प्रयास किया इस स्लाइड के माध्यम से पहला तो यह कि नौ न्यायाधीशों कितने न्यायाधीशों के द्वारा डिसाइड किया गया था नौ न्यायाधीश इसमें हैं और नौ न्यायाधीशों में जो सिक्स थ्री का जजमेंट है देखें सी जी आई एम और बहुमत जो है वो सिक्स थ्री का है ये सब सारी इन्फॉर्मेशन याद सारी आप देखेंगे तो यह पी सी की प्रारंभिक परीक्षाओं में या आई की प्रारंभिक परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि न्यायाधीशों की कितनी संख्या थी चीफ जस्टिस कौन था या कितने न्यायाधीशों ने बहुमत में पक्ष दिया फेवर में पक्ष दिया कितने विरोध विसम्मत में थे तो मैंने सिक्स थ्री छः और तीन के अनुपात में कहा कि बहुमत से निर्णय लिया गया क्या निर्णय लिया गया पहला अब इसको संक्षेप में मैं मंडल आयोग के मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा लिए गए निर्णय को संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। पहला तो यह है कि जो चुनौती दी गई कि कैबिनेट को ये पावर नहीं है यह पावर भारतीय संसद को है कानून बनाने का तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैबिनेट भी किसी भी कमीशन आयोग के द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर यदि आरक्षण लागू करने का प्राव नोटिफिकेशन या सूचना जारी करता है तो कैबिनेट के द्वारा मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया ऐसा फैसला संवैधानिक है इससे संविधान का उल्लंघन नहीं होता और उस कैबिनेट के निर्णय से संसद कानून बना सकती है अब जो पहला प्रश्न था उच्चतम न्यायालय ने उसका सकारात्मक जवाब देते हुए कि कैबिनेट के द्वारा जारी की गई अधिसूचना भी संवैधानिक है दूसरा प्रश्न इस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है ट्वेंटी सेवन परसेंट रिजर्वेशन की बात देखें इसमें लिखा है कि ओबीसी जिनका सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व तो नहीं है उनके लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है कितना प्रावधान हो सकता है तो यह 27 परसेंट पहली बार इस केस में कहा गया कि 27 परसेंट जो है अदर बैकवर्ड क्लास के लिए होगा सरकारी सेवाओं में अदर बैकवर्ड क्लास ओ ये ए ओ अदर ओ कौन अदर बैकवर्ड क्लास कौन होंगे इनको डिसाइड करने के लिए क्राइटेरिया मैंने बताया आर्टिकल 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त करेगा अब यहां पर यह भी सूचना जान लें कि प्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कौन था या प्रथम फर्स्ट प्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे काका कालेलकर आप सुने होंगे काका कालेलकर समिति काका कालेलकर आयोग के द्वारा आप एक थे दूसरे थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल तीसरे ऐसे करके इसको आर्यन प्रसाद प्रसाद आयोग तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित समस्त सूचना को यहीं पर एक साथ देख लें तो इस मंडल कमीशन मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि समाज के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वे वर्ग जो उनकी कुल संख्या समाज में लगभग 27% परसेंट ट्वेंटी परसेंट है उनको अलग से पृथक से सरकारी सेवाओं में उनका एडिक्वेट uh, रिप्रेजेंटेशन नहीं है पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है अतः उन्हें अलग से आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए जिससे कि हम आर्थिक उनका आर्थिक उन्नयन विकास सुनिश्चित कर सकें तो इस उद्देश्य ट्वेंटी सेवन परसेंट लागू कर दिया गया अगला जो महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि आर्टिकल सिक्सटीन फोर जो आर्टिकल सोलह चार में पिछड़ेपन का जो आधार है वह जाति ही माना जाएगा आर्थिक कसौटी पिछड़ेपन का आधार नहीं है ये हाईलाइट करने का मेरा प्रयास ये है कि आप देखें 1963 में बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक इशारा इंगित किया था कि राज्य को आरक्षण संबंधी नीति लागू करने में आर्थिक पिछड़ेपन को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए वे समाज के वे वर्ग जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं गरीब हैं उनके लिए भी सरकारी सेवाओं में विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए जिसको कि इंदिरा साहनी केस में मंडल कमीशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिछड़ेपन की जो क्राइटेरिया है हु इज बैकवर्ड तो ये बैकवर्डनेस की डिफिनेशन की जो क्राइटेरिया है वो केवल और केवल जातिगत होगा कास्ट वुड बी सोल बेसिस इकोनॉमिक हम उसको ग्राउंड को नहीं ले सकते तो जातिगत आधार पर जो पिछड़े हैं उनके लिए आरक्षण किया जा सकता है आर्थिक कसौटी कोई इसमें पिछड़ेपन आ, आर्थिक क्राइटेरिया पिछड़ेपन का आधार नहीं आ सकती है तो यह है ऑब्जर्वेशन एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें दिया गया आर्थिक पिछड़ापन नहीं होगा अब अगला देखें इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन और हैं मैंने इसको नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया संभव नहीं था कि एक ही स्लाइड में सारी सूचना आ जाए और इंदिरा सहनी सबसे इंपॉर्टेंट केस है रिजर्वेशन को लेकर के तो सारी सूचनाएं इसमें देखें फिर इसमें क्या ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का है सबसे अच्छा इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ओ हैं मैं हाईलाइट कर रहा हूं ओबीसी लिखा है मैंने और एमबीसी लिखा है अदर बैकवर्ड क्लास एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लास एमबीसी मतलब हमने सार संक्षेप में English में इंग्लिश लिखने का प्रयास किया है एमबीसी का मतलब है मोस्ट बैकवर्ड क्लास में वर्गीकरण संवैधानिक है और यह लिखा गया कि क्रीमी लेयर ओबीसी जो हैं उनको आरक्षण न दिया जाए क्रीमी लेयर का कॉन्सेट पहली बार फर्स्ट टाइम इंदिरा सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट रूप से मान्यता प्रदान कर दी गई कि समाज के वे वर्ग जो सामाजिक रूप से सोशली बैकवर्ड हैं सामाजिक रूप से बैकवर्ड हैं परंतु शैक्षणिक रूप से पिछड़े नहीं हैं न तो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं और न तो आर्टिकल सोलह चार के अंतर्गत राज्य की सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है यह भी बात नहीं है राज्य की सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन भी है पिछड़े वर्ग भी हैं लेकिन उनका सरकार की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है वे संपन्न हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको क्रीमी लेयर मानते हुए उन्हें इसका लाभ न दिया जाए अब उसको हमने हिंदी में भी ऐसे ही क्रीमी लेयर लिखा है उसका हिंदी एक विशेष हिंदी अर्थ जो है होता है क्रीमी लेयर का परंतु यहाँ पर क्रीमी लेयर का मतलब केवल और केवल ये समझना है कि आ, क्रीमी लेयर से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वह व्यक्ति पिछड़ा होते हुए भी आर्थिक रूप से संपन्न है तो सरकारी सेवाओं में उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो भी है यदि उसके माता पिता सरकारी सेवा में है उसके गैज उसके माता या पिता में से दोनों में से यदि कोई एक गैजिस्टेड ऑफिसर है राजपत्रित अधिकारी है या एक निश्चित आय से अधिक आय रखता है अठा आठ लाख रुपये समानता आठ लाख रुपये से अधिक आय रखता है वार्षिक आय है तो ये माना जाएगा कि वह पिछड़ा होते हुए भी सामाजिक तो तो रूप से पिछड़ा तो है परंतु वह न तो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है और न तो उसका राज्य के राज्य में कम इनएडिक्युएट रिप्रेजेंटेशन है कम प्रतिनिधित्व तो है वह उसका रिप्रेजेंटेशन भी सरकारी सेवाओं में ज़्यादा है इसलिए इनको लाभ नहीं दिया जाना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा कि हम एक लाइन खींचेंगे एक, एक विशेष आरक्षण देते समय सरकारी सेवाओं में आरक्षण देते समय एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए एक साइड को हम मोस्ट बैकवर्ड क्लास माने और और एक को अदर बैकवर्ड तो ये हमने एम जो लिखा है अदर बैकवर्ड क्लास और मोस्ट बैकवर्ड क्लास तो जो मोस्ट बैकवर्ड है मोस्ट बैकवर्ड क्लास क्या है हैं तो वह सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लेकिन आर्थिक रूप से भी बहुत निर्धन है सर और दूसरी बात कि सरकार की सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व तो जीरो है तो उनको इसका लाभ मिलना चाहिए और जो क्रीमी लेयर हैं क्रीमी लेयर ओ हैं उनको हम अदर ओ मानते हुए ओ तो हैं अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं लेकिन वे क्रीमी लेयर हैं वो इनके पास जो वार्षिक आय है वो आठ लाख से ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में उनको सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान नहीं दिया जाना चाहिए अर्थात जो पिछड़े वर्ग में भी क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आते हैं उनको आर्टिकल सोलह चार का लाभ नहीं मिलेगा एक बात क्लियर हो गई अब दूसरी बात थी रिजर्वेशन की सीमा को लेकर के इसकी सीमा मैक्सिमम कितना परसेंट होना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निश्चित कर दिया गया कि रिजर्वेशन किसी भी दशा में फिफ्टी परसेंट से अधिक नहीं हो सकता है ये कभी नहीं हो सकता कि स्टेट रिप्रेजेंटेशन जो है हंड्रेड सरकारी सेवाओं में हंड्रेड परसेंट जो है हम रिजर्वेशन क्योंकि संविधान में ही एक प्रावधान किया गया है मैं इसके ठीक नीचे लिख दूं आ, आप यदि उसको ध्यान से देखेंगे आर्टिकल 335 संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य के द्वारा प्रशासनिक सेवाओं में सरकारी सेवाओं में प्रशासनिक दक्षता को भी बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा तो इस केस को चैलेंज कर दिया गया मंडल कमीशन मंडल आयोग के द्वारा लिए गए सिपा फैस सिफारिश को और बीपी सिंह गवर्नमेंट को मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन लागू करने के निर्णय को कि ट्वेंटी परसेंट रिजर्वेशन होना चाहिए इस आधार पर चैलेंज किया गया कि ये संविधान की आर्टिकल 335 के अंतर्गत जो एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशेंसी है प्रशासनिक दक्षता है उसको ध्यान में रखते हुए आरक्षण की सीमा पचास परसेंट से अधिक नहीं होनी चाहिए और अन्यथा यह आर्टिकल तीन का उल्लंघन होगा तो प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखने के लिए भी राज्य के द्वारा प्रयास किया जाएगा और प्रशासनिक दक्षता कैसे बनेगी इसको लेकर के विबहस काफ़ी हुई है कई मामलों में हुई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हम कैसे मेंटेन करें और हम आर्टिकल सोलह चार के उद्देश्य को कैसे प्राप्त करें तो आर्टिकल आप ये देखें कि जो आर्ट यह संघर्ष जो कन्फ्लिक्ट है वह आर्टिकल सोलह सिक्सटीन फोर और इसकी है आर्टिकल 335 का है दोनों प्रावधानों को हम देखना है ध्यान में जब हम सोक्स आर्टिकल सिक्सटीन क्लास फोर पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल 335 को भी ध्यान में रखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि, कि किसी भी दशा में आरक्षण पचास परसेंट से अधिक नहीं होगा कैसे और ये आप सभी को मैंने स्लाइड के माध्यम से मैं बताऊं कि इसमें फिफ्टीन जैसे एस के लिए है सेवन परसेंट एस uh, टी के लिए है और ट्वेंटी सेवन परसेंट जो है ओ बी सी के लिए है तो कुल मिला के यह फोर्टी नाइन परसेंट लगभग उनचास प्रतिशत होता है साढ़े उनचास उनचास प्रतिशत होता है तो फोर्टी नाइन परसेंट हो गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि इंदिरा सानी की इसमें ही कह दिया गया कि किसी भी दशा में स्टेट के द्वारा फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए सरकारी सेवाओं में एक आप जो आब्जर, महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन यह है सुप्रीम कोर्ट का अब अगला जो इसमें ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का है अग्रनयन का नियम मैंने एक लिखा है इसमें कैरी फॉरवर्ड इसको देखें इंग्लिश में कैरी फॉरवर्ड रूल अब कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे इंदिरा सहनी केस के ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक देवदासन केस में कहा था ये संभव नहीं कि सारी केस इसमें बताया जाए थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और एक घंटे के व्याख्यान में संभव नहीं है कि आर्टिकल सोलह से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया सभी केस का उल्लेख किया जाए परंतु देवदासन के केस में देवदासन बनाम भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णित किया गया कि कैरी फॉरवर्ड रूल वैध है संवैधानिक है अर्थात जिस किसी भी वर्ष में वर्ष ईयर में सरकार के द्वारा विज्ञापित पदों पदों को ओबीसी कैंडिडेट के द्वारा पिछड़े वर्गों के द्वारा उसमें ओबीसी एससी एसटी इनके द्वारा यदि इन अभ्यर्थियों के द्वारा सीटें नहीं भरी जा सकती हैं रिक्त हो जाती हैं वैकेंट रह जाती हैं उस वर्ष में रिक्त हुई पदों को अगले वर्ष कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा अगले वर्ष वर्ष भी उनको विज्ञापन में जोड़ते हुए उन उन पदों को केवल और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाएगा जिसे हम अग्रनयन का नियम या कैरी फॉरवर्ड का रूल कहते हैं इससे उदाहरण के रूप में हम समझने का प्रयास करें कि कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है जैसे वर्ष 2022 में लोक सेवा आयोग के द्वारा कोई पद विज्ञापित हुआ कि सरकारी सेवाओं में आरक्षण टोटल पद विज्ञापित हुए 500, सौ ढाई सौ उसमें आरक्षित हो गए ढाई सौ अनारक्षित हैं अब ढाई सौ में सपोज 50 सीटें खाली रह गई 50 सीट्स जो है वैकेंट रह गई 2022 में और उस पचास में एस सी एस टी ओ बी सी के जो कैंडिडेट नहीं भर पाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये नियम है कि कैरी फॉरवर्ड रूल हम इसको करेंगे अब 2023 में जो विज्ञापन आएगा लोक सेवा आयोग का तो 2023 के विज्ञापन में जो 50 सीटें शेष रह गई थी वैकेंट रह गई थी अनफिल्ड रह गई थी 2022 में उस 2022 की अनफिल्ड सी सीट को 50 सीट को हम 2023 में लोक सेवा आयोग का जो विज्ञापन निकलेगा लोक सेवा आयोग उस 50 सीट को कैरी फॉरवर्ड करके 2023 के विज्ञापन में लाएगी और माना कि 2023 में कुल पदों की संख्या 600 है तो 600 में 300 सौ आरक्षित तीन, तीन अनारक्षित ये 2023 के विज्ञापन के आधार पर होगा लेकिन चूंकि 50 सीटें आरक्षित वर्गों की खाली रह गई थी दो में तो ये जो पचास सीटें हैं दो के विज्ञापन में फिफ्टी सीटें आरक्षित वर्ग में जुड़ जाएंगे अर्थात अब हो गई टोटल जो 2023 में अभ्यर्थी चयनित होंगे अन्य पिछड़े वर्गों के वे टोटल अभ्यर्थी होंगे 350 क्योंकि जो 50 सीटें हैं वो 2022 से कैरी फॉरवर्ड करके 2023 में लाया गया है तो ये मैं समझता हूँ कि आप कैरी फॉरवर्ड रूल को समझ गए होंगे कैरी फॉरवर्ड रूल जो है वह संवैधानिक है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक राइडर लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस कैरी फॉरवर्ड रूल पर एक रेस्ट्रिक्शन uh, लगाया कि किसी भी दशा में कैरी फॉरवर्ड रूल के अंतर्गत 50 परसेंट से अधिक नहीं हो सकता है तो एक 50 परसेंट से अधिक नहीं हो सकता एक थोड़ा सा इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया एक अन्य महत्वपूर्ण जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंदिरा सानी केस में कहा गया वह कहा गया कि प्रोन्नत में आरक्षण नहीं है रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं होगा प्रोन्नत में आर अगर ये केवल सब्सेंटरी पोस्ट पर होगा नियुक्ति के समय राज्य उन वर्गों का जिनका सरकारी सेवाओं में लोक नियोजन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकती है परंतु प्रोन्नत में यह प्रावधान लागू नहीं होगा क्यों कारण दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रोन्नत में आरक्षण करने से एक ही समय नियुक्त किए गए व्यक्तियों में आपस में आपस में समस्या हो सकती है और इससे प्रशासनिक दक्षता भी प्रभावित होगा आर्टिकल तीन का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण जो है नहीं होना चाहिए तो इस आधार पर इंदिरा सानी की केस को हमने संक्षेप में बताने का प्रयास किया और मैं समझता हूं कि पूरी बात आप इंदिरा सानी केस में समझ गए होंगे अब आते हैं आर्टिकल सोलह चार में एक संशोधन जोड़ा गया हमने देखिए स्लाइड पर लिखा है सेवेंटी सेवेंथ संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस सौ पंचानवे जिसके द्वारा आर्टिकल सोलह चार क जोड़ी गई सोलह चार क क्या प्रावधान करता है सोलह चार क के द्वारा यह जोड़ा गया कि अनुच्छेद सोलह की कोई बात राज्य को अनुसूचित जात और जनजाति वर्ग के लिए प्रोन्नति में आरक्षण करने से निवारित नहीं करेगी अर्थात राज्य के द्वारा स्टेट के द्वारा यहाँ पर स्टेट का मतलब वही है जो आर्टिकल आर्टिकल बारह के अंतर्गत राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है उसका तात्पर्य यहाँ पे यही है अर्थात एस और एस टी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए राज्य प्रमोशन में भी प्रोन्नति में भी विशेष प्रावधान कर सकती है यह उन्नीस वर्ष उन्नीस सौ पंचानवे सेवेंटी सेवन संशोधन के माध्यम से भारतीय संसद के द्वारा जोड़ा गया प्रावधान है अब इस केस के पश्चात आप देखें एक संशोधन फिर किया गया इसमें जिसको मैं इसी स्लाइड पर ही बताने का प्रयास करूंगा कि आप देखें इक्यासीवा है एटी वन इक्यासीवा संविधान संशोधन 2000 जिसमें 16 मैं इसी के नीचे लिखता हूं आर्टिकल सिक्सटीन फोर अब यह जोड़ा गया ये संविधान संशोधन संशोधन वर्ष 2000 में हम्म और एक मैं भी इसी पर लिख दे रहा हूं जैसे कि सभी छात्र संशोधन अधिनियम 2019 हम्म उन्नीस को लिखा है हमने इसमें 10 परसेंट रिजर्वेशन देने की बात की गई है इसमें देखें कि आर्टिकल सोलह जो सोलह चार ख है यह भारतीय संसद के द्वारा वर्ष 2000 में जोड़ा गया इक्यासीवें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 जो यह प्रावधान करता है सोलह चार ख देखिए स्लाइड पर मैंने जिसको लिखने का प्रयास किया है तो सोलह चार यह प्रावधान करता है कि कैरी फॉरवर्ड रूल में एक संशोधन कर दिया गया कि जिस वर्ष सरकारी संस्थान के द्वारा विभाग के द्वारा विज्ञापित पदों को अन्य पिछड़े वर्गों से नहीं भरा जा सका पूरी सीटें नहीं भरी जा सकी कुछ पद रिक्त रह गए तो उन कुछ उन रिक्त पदों को अगले वर्ष उन्हीं वर्ग के अभ्यर्थियों को उन्हीं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों से वे रिक्त सीधे भरी जाएंगी अर्थात यहाँ पर ओ बी और एस के लिए जो कैरी फॉरवर्ड रूल है वह आगे कर दिया गया एक बात दूसरी कि वह सीमा 50 परसेंट से अधिक भी हो जाए तो भी वह संवैधानिक माना जाएगा इसको मैं पुनः बताने का प्रयास करूं कि जो सोलह चार ख जोड़ी गई वर्ष 2000 में भारतीय संसद के द्वारा वो ये प्रावधान करती है कि कैरी फॉरवर्ड रूल के अंतर्गत यदि आरक्षण की सीमा 50 परसेंट से अधिक एक्सीड कर जा रही है ओ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए तो यह संविधान सम्मत है यह संविधान का यह आर्टिकल सोलह चार का उल्लंघन नहीं होगा कैसे उसको बताने का प्रयास किया सुप्रीम कोर्ट ने समझाने का प्रयास किया कि उदाहरण के तौर पर यदि वर्ष 2022 में लोक सेवा आयोग के द्वारा 600 पद विज्ञापित किए गए 2022 में 600 पद भर दिए जाने चाहिए थे लेकिन 300 पद आरक्षित हो गए पचास परसेंट रिजर्वेशन के हिसाब से थ्री हंड्रेड पद आरक्षित हो गए तीन सौ पद अनारक्षित हैं तो जो आरक्षित पद हैं तीन सौ उसमें से सपोज ढाई सौ गए लेकिन पचास सीटें ओ बी सी एस सी एस टी की रिक्त रह गई वैकेंट रह गई योग्य कैंडिडेट नहीं मिल पाए इसलिए वैकेंट रह गई अब वो जो 50 सीटें हैं 2022 की उसको कैरी फॉरवर्ड करके हम 2023 में लाएंगे 2023 में जब भी सरकार के द्वारा विज्ञापन निकलेगा 2023 ही नहीं 2024 में 2025 अर्थात यह कैरी फॉरवर्ड का रूल तब तक चलता रहेगा उस पद को जो प्रीवियस ईयर में नहीं भर पाई है उन अभ्यर्थियों के द्वारा ओ बी सी एस के द्वारा अगर प्रीवियस ईयर में वैकेंसी नहीं भर पाई है तो इसको हम तब तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे जब तक कि वह सारी सीटें एग्जॉस्ट न हो जाए सारी सीटें भर न ली जाएँ तो ये कैरी फॉरवर्ड का मतलब है दूसरी बात कि कैरी फॉरवर्ड रूल से अगर 50 परसेंट की लिमिट जो इंदिरा इंदिरासानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइडर लगाया था उससे अगर बढ़ भी जाता है तो यह वायलेशन नहीं होगा संविधान सम्मत है यह संसद ने सन 2000 में संशोधन माध्यम से इसे संविधान में जोड़ा है अब यहां पर आप देखें कि मैंने जो उदाहरण बताया था कि लोक सेवा आयोग के द्वारा छह पद विज्ञापित होते हैं तीन सौ आरक्षित तीन सौ अनारक्षित तो तीन सौ आरक्षित आरक्षित जो रिजर्व पोस्ट हैं उसमें ढाई सौ भर पाए पचास खाली है तो पचास सीटें दो में जुड़ जाएंगी अब दो में मान लीजिए आठ पद विज्ञापित हुए आठ में चार आरक्षित हो गए चार सौ अनारक्षित अब चार जो आरक्षित हैं इसमें 50 प्रीवियस ईयर की सीटें जुड़ जाएंगी अब चार अब 2023 में जितने भी ओ बी कैंडिडेट होंगे उसमें से उस 2023 वर्ष 2023 में साढ़े चार सौ को अन्य पिछड़े वर्गों को भरा जाएगा चार सौ तो करंट ईयर की हैं 2023 के पद हैं लेकिन 50 चूंकि प्रीवियस के ईयर के हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करके लाया गया है और ये ये थोड़ा लॉजिकल भी है कि जो प्रीवियस ईयर में सिटी वैकेंट रह गई हैं उन वर्गों के द्वारा उनको अगर हम कैरी फॉरवर्ड करके इसमें लाते हैं तो ये चूंकि प्रीवियस ईयर की हैं तो यह पचास से उसको अलग माना जाए पृथक माना जाए इसी को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि अब ये जो 50 वैसे देखा जाए तो जो चा हम दो में बता रहे हैं साढ़े चार पद हो गए ओ बी को तो वहाँ पे टोटल अगर रिजर्वेशन देखेंगे तो 50 परसेंट अधिक नहीं हो रहा है 50 परसेंट क्योंकि 50 परसेंट तो 800 का हो गया 400 400 आरक्षित हो गई 400 सौ अनारक्षित हो गई अनरिजर्व हो गई लेकिन ये जो पचास सीटें हैं प्रीवियस ईयर की हैं पहले वर्ष की हैं तो हम इसको इसमें जोड़ दिया और ये कैरी फॉरवर्ड रूल कब तक चलेगा प्रश्न है कि कैरी फॉरवर्ड रूल क्या अगले ही वर्ष हो जाएगा यदि अगले वर्ष नहीं वो सीटें भरी जाती हैं तो क्या हम उसके अगले वर्ष ले जाएंगे या आने वाले अगले एक दो वर्ष तीन वर्ष तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ उसका सकारात्मक जवाब दिया और कहा कि तब तक करेंगे जब तक कि उन वर्गों के द्वारा ये सीटें न भर ली जाएँ तो कैरी फॉरवर्ड तो कैरी फॉरवर्ड रूल को इस रूप में वहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं तो मैंने बताया कि इसमें देखें सोलह चार क जोड़ी गई सोलह चार ख क्या है कैरी फॉर रूल अब इसके पश्चात तो आप देखें इसमें एक संशोधन हुआ है इंपॉर्टेंट जो मैंने हाईलाइट किया है स्क्रीन पर देखें एक सौ तीन संविधान संशोधन अधिनियम 2019 2019 उन्नीस टू के लिए है क्या ये भारतीय संसद के द्वारा वर्ष 2019 में 103 सौ संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया जिसके द्वारा यह प्रावधानित किया गया कि समाज के उन वर्गों के लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं गरीब हैं निर्धन हैं उनको भी सरकारी सेवाओं में लोक नियोजन में जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है और वह आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है उन कुल पदों में 10 प्रतिशत सीटें जो है गरीब आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए आरक्षित की जाएगी सीटें भरी जाएंगी अर्थात ये हम उसको लिखे हैं स्क्रीन पर जो 10 परसेंट है ई डब्ल्यू एस इसको बोलते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है सबसे स्पष्ट है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए राज्य के द्वारा राज्याधीन पदों में लोक नियोजन में अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए 10 प्रतिशत सीटें उनके लिए आरक्षित की जाएंगी जो समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति हैं तो यह बालाजी केस में बालाजी बनाम बैसूर राज की केस में इकोनॉमिक क्राइटेरिया पहले की गई थी इसको बहुत लंबी बहस चली इस पर इकोनॉमिक क्राइटेरिया को लेकर के लेकिन वर्ष uh, 2019 में भारतीय संसद के द्वारा उस uh, डिबेट को उस बहस को समाप्त करते हुए ये प्रावधान किया गया कि जो ई के कैंडिडेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है समाज में उनको भी 10 परसेंट सीटें दस प्रतिशत उनको आरक्षण दिया जाएगा अब ये जो 10 प्रतिशत का आरक्षण है ध्यान देना है कि इंदिरा सानी के, के केस में जो 50 परसेंट की लिमिटेशन लगाई गई उसके अतिरिक्त ये 10 दस परसेंट है क्योंकि उस इंदिरा सानी के केस में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को रखा गया था और यहाँ पर जो एक संविधान संशोधन एक सौ तीवा वन हंड्रेड थर्ड संविधान संशोधन है उसमें ई डब्ल्यू एस को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वह अगर हम बात करें तो जो सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं हैं परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े हैं गरीब हैं निर्धन हैं और सरकारी सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं है तो ऐसे लोगों के लिए यह प्रावधान किया गया कि इसमें ई को भी लाया जाए अब मैं स्क्रीन पर थोड़ा सा इसको बताने का प्रयास करूंगा कि यह आर्टिकल सोलह आर्टिकल सोलह छः के अंतर्गत जोड़ा गया आप देखें ई के विषय में तीसरी बात मैं यहीं पर थोड़ा सा लिख दूर आप देखिए आर्टिकल पंद्रह छह एंड आर्टिकल सोलह छह अब संक्षेप में मैं इसको थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा कि पंद्रह छह सोलह छह क्या है आर्टिकल पंद्रह छह के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि राज्य के द्वारा पंद्रह छह में प्रावधान क्या है पंद्रह छह भी इसी एक सौ तीनवा जो वन हंड्रेड थर्ड संविधान संशोधन अधिनियम दो हजार उन्नीस के द्वारा जोड़ा गया जो यह प्रावधान करता है आर्टिकल पंद्रह छह कि इस अनुच्छेद की कोई बात नथिंग इन दिस आर्टिकल सेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर होम फॉर सोशली एंड फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अर्थात इन इस अनुच्छेद मैं पंद्रह छः पढ़ रहा हूँ संविधान के आर्टिकल पंद्रह उपखंड छः यह प्रावधान करती है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान करने से निवारित तो नहीं करेगी इसी आर्टिकल पंद्रह छ के अनुसरण में इसी के परिप्रेक्ष्य में प्रकाश में आलोक में भारतीय संसद के द्वारा केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ई के अभ्यर्थियों के द्वारा 10 प्रतिशत सीटें अतिरिक्त भरी जा रही हैं एक बात हो गई शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण देने के लिए ई को 10 परसेंट और आर्टिकल सोलह छह में जोड़ा गया तो आर्टिकल सोलह जो आर्टिकल सिक्सटीन है वह पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करती है अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करती है तो आर्टिकल सोलह छह के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को राज्य मतलब यहाँ आर्टिकल बारह स्टेट से है इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को राज्याधीन सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों को जिनका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है उनके लिए विशेष प्रावधान करने से निवारित नहीं करेगी अर्थात यह हो गया कि स्टेट राज्य अर्थात संसद या राज्य विधानमंडल यदि कोई ऐसा कानून बनाती है जो सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करती है तो वह सोलह छः के अंतर्गत किसी भी आधार पर वह चैलेंज नहीं किया जा सकता उसका उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है अर्थात आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसको हम ई बोलते हैं संक्षेप में ई को आर्टिकल सोलह छः के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में विशेष आरक्षण दिया जा सकता है अर्थात कुल विज्ञापित पदों में 10 प्रतिशत सीटें जो होंगी सरकारी सेवाओं में वे ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के द्वारा भरी जाएंगी एक बात हो गई और शैक्षणिक संस्थानों में जो भी कुल सीटें होंगी उन सीटों में एडमिशन प्रोसेस में प्रवेश प्रक्रिया में सॉरी प्रवेश जो भी शैक्षणिक संस्थानों में जो आ, पद हैं जो विभाग में सीटें हैं उन सीटों में कुल सीटों का दस प्रतिशत दस प्रतिशत जो है वह ई कैंडिडेट के द्वारा भरी जाएंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के द्वारा भरी जाएंगी तो ये बात ध्यान में रखना है कि ई को कैसे लागू किया गया तो पंद्रह छः और सोलह छः में क्या समानता है इसको मैंने बताने का प्रयास किया और ये संविधान संशोधन इक्यासीवा संविधान संशोधन हंड्रेड थ्री एक सौ तीन संविधान संशोधन दो हज़ार उन्नीस के जो विषय में बात करता है इनको गहनता से ध्यान रखेंगे इनको समझने का प्रयास करेंगे मैंने इस पर कितनी केसेस बताई मैंने बताया बालाजी मैं बना मैसूर राज मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन मैंने बताया इसमें इंदिरा सोहनी बनाम भारत संघ की केस इसमें मैंने संशोधन बताया आर्टिकल सोलह चार ख सोलह चार ख उसके बाद आ, एक सौ तीन जो कैरी फॉरवर्ड रूल है सोलह चार ख के माध्यम से फिर संविधान में जो संशोधन हुआ एक सौ तीन बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है जो ई डब्ल्यू एस के लिए बात करता है और उसके पश्चात मैंने बताने का प्रयास किया आ, पंद्रह छः या जो संविधान के आर्टिकल पंद्रह छः में जोड़ा गया पंद्रह पाँच भी इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पर मैं बता दूँ पंद्रह पाँच में क्या प्रावधान किया गया है कि वो जो शैक्षणिक ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जो अल्पसंख्यक संस्थानों जो अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा शासित हैं उसमें उनको छोड़ करके राज्य के द्वारा आरक्षण लागू किया जाएगा ई को आरक्षण विशेष प्रावधान किया जाएगा तो पंद्रह छः और सोलह छः में जो बेसिक डिफरेंस यहाँ पर यह है कि ई को अब पंद्रह छः में भी मिल गया राइट और सोलह छः में सरकारी सेवाओं में उनको दस प्रतिशत सीटें उनके द्वारा जो है वो भरी जाएंगी शैक्षणिक संस्थाओं में उनके लिए ई की जो सीटें हैं वह दस परसेंट शैक्षणिक संस्थाओं में उनके द्वारा भरी जाएंगी और इस प्रकार से मैंने आठ पी सोलह से सोलह से संबंधित सभी केस को मैंने इसमें एक केस जो मैं इसको शीघ्रता से बताने का प्रयास करूंगा इसमें एक केस है आ, यम नागराज का केस इसमें देखें मैं इसी स्लाइड स्क्रीन स्क्रीन पर लिख दूं यम नागराज यम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ए 2007, 2007 की केस है सुप्रीम कोर्ट और इसमें पांच न्यायाधीश थे यम नागराज की केस में फा, फाइव जजेज डिसाइड किया था और ये इससे संबंधित है इसको कर दिया तो मैंने एक इसमें रणधीर सिंह का केस रणधीर सिंह बनाम भारत संघ ए आई आर सुप्रीम कोर्ट इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की मांग की गई थी कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि समान कार्य के लिए समान वेतन तो ये राइट है ही लीगल राइट है क्योंकि संसद ने कानून बनाया है सामान पारिश्रमिक अधिनियम उन्नीस सौ इक्वल रिम्युनोरेशन एक्ट संसद के द्वारा पारित बनाया गया हुआ कानून जो समान पारिश्रमिक अधिनियम उन्नीस है वह सुनिश्चित करता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा लिंग के सेक्स के आधार पर यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि अगर कोई एक एक ही इम्प्लायमेंट में स्त्री और पुरुष है तो स्त्री को कुछ वेतन दिया जाए पुरुष को वेतन कुछ दिया जाए समान इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दैट इज दैट इज राइट दैट इज फंडामेंटल राइट और समान कार्य के लिए समान वेतन न दिया जाना ये समानता का उल्लंघन होगा एक प्रकार का डिस इक्वलिटी का डिस्क्रिमिनेशन है तो रणधीर सिंह के केस को मैंने उल्लेख किया एम नागराज बनाम भारत संघ दो हज़ार या, या टू थाउजेंड था। था। सेवन सुप्रीम कोर्ट की केस में ये आर्टिकल सोलह चार की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी कि प्रोन्नत में आरक्षण को लेकर के कैसे होगा और उस तो संविधान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोन्नत में जो आरक्षण है यह संवैधानिक है और पंद्रह चार इसमें आर्टिकल तीन को भी जोड़ करके चैलेंज किया गया था तो चूंकि समय अभाव के कारण मैं इसको बहुत क्विकली uh, हाईलाइट करूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं मैंने ये बताने का प्रयास किया इस आर्टिकल 16 के अंतर्गत 16 आर्टिकल 16 क्लास वन 16 क्लास टू 16 क्लास थ्री आर्टिकल 16 क्लास फोर 16 क्लास फोर क 16 क्लास फोर ख एंड 16 आर्टिकल 16 क्लास फाइव 16 में जो छठा खंड जोड़ा गया ई के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण प्रदान करने के लिए पंद्रह छः जोड़ा गया सामा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है शैक्षणिक संस्थाओं में उनको उनके द्वारा उनकी सीटें भरने के लिए ई डब्ल्यू एस को पंद्रह छः के अंतर्गत आर्टिकल सोलह छः के जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ई डब्ल्यू एस को विशेष आरक्षण देने के लिए ये प्रावधान किया गया तो मैं समझता हूँ कि इस केस के इस व्याख्यान के माध्यम से तो मैंने बताने का प्रयास किया कि आर्टिकल 16 से संबंधित जितने भी सूचनाएं थी मैंने इस व्याख्यान के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया कि ये संवैधानिक प्रावधान क्या है उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण क्या है और इंदिरा शाह केस में क्या रिकमेंडेशन क्या इंदिरा शाह केस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है उस गाइडलाइंस को कैसे संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ उसमें संशोधन किए गए उसके बाद मैंने बताया कि वर्ष 2019 में जो 103 संविधान संशोधन हुआ उसमें ई के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए सोलह छः आर्टिकल सोलह में एक अलग उपखंड जोड़ा गया सोलह छः जोड़ी गई और फिर पंद्रह छः जोड़ा गया जो शैक्षणिक संस्थानों में ई के लिए विशेष प्रावधान करता है तो मैं समझता हूँ कि इन मैंने पूरा प्रयास किया लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और उच्चतम न्यायालय के दृष्टिकोण को आपके समक्ष रखने का यदि इतनी सूचना आप परीक्षा में रखते हैं याद रखते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने उद्देश्य में सफल होंगे और पूरे अंक आप पाएंगे मुझे मुझे पूरा ऐसा विश्वास है कि मैंने पूरे आर्टिकल सोलह से संबंधित सूचना को जो प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक हैं उन्हीं को मैंने कवर करने का प्रस्तुत करने का प्रयास किया है थैंक यू धन्यवाद